एक शहर में एक आलीशान और शानदार घर था। वह शहर का सबसे खूबसूरत घर माना जाता था। लोग उसे देखते तो तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। एक बार घर का मालिक किसी काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला गया। कुछ दिनों बाद जब वह वापस लौटा तो देखा कि उसके मकान से धुआं उठ रहा है। करीब जाने पर उसे घर से आग की लपटें उठती हुई दिखाई पड़ी। उसका खूबसूरत घर जल रहा था। वहां तमाशाबीनों की भीड़ जमा थी जो उस घर के जलने का तमाशा देख रही थी। अपने खूबसूरत घर को अपनी ही आंखों के सामने जलता हुए देख वह व्यक्ति चिंता में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, कैसे अपने घर को जलने से बचाए। वह लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा कि वे किसी भी तरह उसके घर को जलने से बचा लें। उसी समय उसका बड़ा बेटा वहां आया और बोला, पिताजी घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। इस बात पर कुछ नाराज होता हुआ पिता बोला, कैसे ना घबराऊं, मेरा इतना खूबसूरत घर जल रहा है। बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी माफ कीजिएगा, एक बात मैं आपको अब तक बता नहीं पाया था। कुछ दिनों पहले मुझे इस घर के लिए एक बहुत बढ़िया खरीदार मिला था। उसने मेरे सामने मकान की कीमत की 3 गुनी रकम का प्रस्ताव रखा। सौदा इतना अच्छा था कि मैं इनकार नहीं कर पाया और मैंने आपको बिना बताए सौदा तय कर लिया। ये सुनकर पिता की जान में जान आई। उसने राहत की सांस ली और आराम से यूं खड़ा हो गया जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। अब वह भी अन्य लोगों की तरह तमाशबीन बनकर उस घर को जलते हुए देखने लगा। तभी उसका दूसरा बेटा आया और बोला, पिताजी हमारा घर जल रहा है और आप हैं कि बड़े आराम से यहाँ खड़े होकर इसे जलता हुआ देख रहे हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं? बेटा चिंता की बात नहीं है, तुम्हारे बड़े भाई ने ये घर बहुत अच्छे दाम पर बेच दिया है, अब ये हमारा नहीं रहा, इसलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता। पिताजी भैया ने सौदा तो कर दिया था लेकिन अब तक सौदा पक्का नहीं हुआ है, अभी हमें पैसे भी नहीं मिले हैं। अब बताइए इस जलते हुए घर के लिए कौन पैसे देगा? यह सुनकर पिता फिर से चिंतित हो गया और सोचने लगा कि कैसे आग की लपटों पर काबू पाया जाए। वह फिर से पास खड़े लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा। तभी उसका तीसरा बेटा आया और बोला, पिताजी घबराने की सच में कोई बात नहीं है, मैं अभी उस आदमी से मिलकर आ रहा हूँ जिससे बड़े भाई ने मकान का सौदा किया था। उसने कहा है कि मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। मेरे आदर्श कहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए अपनी जुबान पर कायम रहना चाहिए, इसीलिए अब जो हो जाए, जबान दी है तो घर जरूर लूंगा और उसके पैसे भी दूंगा। इसे पिता फिर से चिंता मुक्त हो गया और घर को जलते हुए देखने लगा। सीख मित्रों, एक ही परिस्थिति में व्यक्ति का व्यवहार भिन्न भिन्न हो सकता है और यह व्यवहार उसकी सोच के कारण होता है। उदाहरण के लिए जलते हुए घर के मालिक को ही लीजिए। घर तो वही था जो जल रहा था, लेकिन उसके मालिक की सोच में कई बार परिवर्तन आया और उस सोच के साथ उसका व्यवहार भी बदलता गया।